पांच जुमले जो कभी मर्द से नहीं कहने चाहिए। जब मर्दों की बात आती है तो आप क्या नहीं कहते, ये इतना ही अहम है जितना आप कहते हैं। इस सिलसिले में एक तहकीक की गई जिसमें इस बात की जांच की गई कि मर्द को औरत की कौन कौन सी बातें नागवार गुजरती हैं और वो इन बातों से कितना हर्ट होते हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा पांच बातें देखी गई जो सबसे ज्यादा मर्द को हर्ट करती हैं, इसलिए इन बातों को अपने मर्द से नहीं कहना चाहिए। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते ही आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। पहला जुमला, साबका पार्टनर का कोई भी जुमला। अपने साबका पार्टनर का मुआवजना मौजूदा पार्टनर से हरगिज ना करें। अगर आप उसे उससे मिलाएंगी तो इससे मौजूदा पार्टनर को हसद, जलन और अंदर ही अंदर गुस्सा आ सकता है। चाहे इसमें साबका पार्टनर की तारीफ या मौजूदा पार्टनर की तारीफ ही क्यों ना हो, इसकी वजह कि अब वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा, इसलिए उसका नाम लेना मौजूदा ताल्लुकात को खराब करने में चिंगारी का काम कर सकता है। इसलिए सारा फोकस अपने मौजूदा पार्टनर पर करें। बार बार अपने साबका पार्टनर को याद करना इस बात की तरफ इशारा है कि आप आज भी उसको याद करती हैं। अगर आप फिर भी अपने साबका पार्टनर को याद करती हैं तो ये काबिले एतराज है। दूसरा जुमला, वो आपसे अच्छा था। मर्द से ये जुमला कभी ना कहें कि मेरा पहला पार्टनर आपसे अच्छा था या मैंने गलती की आपसे मोहब्बत या शादी करके। इससे मर्द औरत से मायूस हो जाता है, क्योंकि मर्द अगर अपनी पिछली औरत की तारीफ करे तो मुमकिन है औरत कुछ दिनों बाद इस बात को भूल जाए। लेकिन ये बात अच्छे से याद रखें और जहन नशीन कर लें कि ऐसी बातें मर्द कभी नहीं भूलता। इस किस्म की बातों से मर्द का दिल अपनी औरत से उठ जाता है, इसलिए ख्याल रखें इन बातों का। तीसरा जुमला, उसकी मर्दांगी पर या उसकी हैसियत पर सवाल उठाना। अपने मर्द की मर्दांगी पर सवाल उठाना बहुत ही बुरी बात है, इससे उसका दिल दुखेगा। इसी तरह उसकी हैसियत पर सवाल उठाना भी गलत है, क्योंकि ताल्लुक आपने आपके वालिदैन ने देख कर किया था। इसी तरह उसकी हर जगह बुराई करना मतलब इज्जत का फुकदान। इस तरह की बातें तशद्दुद का रास्ता खोल देती हैं। चौथा जुमला, उसकी हौसला शक्नी करना। दो टोक जुमलों से अपने मर्द से नफरत का इजहार या उससे हठधर्मी से बात करना, जैसे आप किसी काम के नहीं हो या सारा दिन सोए रहते हो, सुस्त हो, मरियल हो, ऐसी बातें अपने मर्द से कभी नहीं करनी चाहिए। इन हालात में उसको हौसला अफजाई की जरूरत होती है, जो महज आराई से या नफी से बहुत बेहतर है। पांचवा जुमला, ये मुझे चाहिए। जब आप अपने पार्टनर के साथ बाहर हो, शॉपिंग कर रहे हो, आपका किसी चीज में दिलचस्पी लेना, ऐसी चीज जो बहुत महंगी हो या उसकी कोई खास जरूरत ना हो और ये कहना कि ये चीज मुझे चाहिए, ये बात माजरत के साथ कि अक्सर खवातीन में पाई जाती है, तो याद रखें ये हुकूक नसवा में नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से मर्द पर प्रेशर आता है, क्योंकि घर के और भी ज़रूरी अखराजात होते हैं। अगर आप खुद कफील हैं तो भी एहतियात लाजमी है, क्योंकि बुरा वक्त कहकर नहीं आता, इसलिए समझदारी नादानी से बेहतर है। लेकिन जो ख्वातीन खुद कमाती हैं वो ऐसी गलतियां नहीं करती, उन्हें इस बात का इल्म होता है कि एहतियात मुसीबत से बेहतर है। इन उसूलों को समझें और देखें कि इस तरह कैसे अपने आज और कल को मुस्तहकम, मजबूत, खुशगवार और रोशन किया जा सकता है। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।